झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज रैली और जनसभाओं का सुपर संडे रहा। एक ओर जहां पीएम मोदी ने चंदन क्यारी और गुमला में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं राज्य में रोड शो के जरिए लोगों के बीच अपना संदेश पहुंचाया। तो सीएम हेमंत सोरेन ने चकधरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने झारखंड की धरती पर ताबड़तोड़ सभाएं की। चंदन क्यारी और गुमला में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में अब की बार एनडीए सरकार का नारा दिया। साथ ही पिछड़ी जातियों को बांटने का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस जेएमएम वाले यहाँ यादव को कुर्मी से, तेली को कोयरी कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मलहा से, पासी को चौहान से, नाई नाव को भुईयार से और भुईयार को कहार चंद्रवंशी से ये आपस में लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उलझे रहे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी ताकत से बताइए, मंजूर है? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। आज इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चकधरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को पार्टी घर और समाज तोड़ने वाला बताया। सीएम ने कहा, बीजेपी के लोग 50-60 हेलीकॉप्टर से गिद्ध कौओं की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। आप लोग अपना तीर धनुष तैयार करो और चील कौओं को गिराओ। अभी तो एकदम यूपी बॉर्डर से हम आए यहाँ पर और कार्यकर्ता का अपना प्रत्याशी को जिताने का सभा करके फिर यहाँ आए, फिर अभी जाएंगे उधर हजारीबाग की तरफ और यहाँ हमारा विपक्ष का लोग, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का मन छाप कर लोग आया हुआ है। 50-60 जो हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गिद्ध कौआ की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब गिद्ध कौआ को ऊपर से चिघराओ। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कुछ ही घंटों बाद होना है। ऐसे में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैली और जनसभा कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि 13 नवंबर को मतदाता किस पर अपना भरोसा जताते हैं।